प्रमाणे तोच खेळ अगदी आपल्या नावाला साजेसा खेळ पण करताना पाहतोय सर्व खेळाडू या टूर्नामेंट मध्ये। आता मात्र चालू होतोय हा सामना आणि सामना असेल राजन आणि गोट विरुद्ध पगड्याचा पाडा। थोड्याच वेळात सामना चालू होणार आहे, 3 षटकांचा होणार आहे दुसऱ्या फेरीतला हा सामना, पाहूया आपण। सागर फराड गोलंदाजी मार्गवर आपण पाहतो, त्याचप्रमाणे राजा राणी गोट एक या MIDC पंचकृषी असेल किंवा या पनवेल तालुक्यामध्ये एक चांगलं नाव कमवलेला संघ म्हणजे अर्थातच राजा राणी गोट। मग त्यामध्ये पप्पू असेल, सुनील असेल, प्रशांत असेल, असे चांगली नावं आपण पाहतो या संघांमध्ये एक दमदार संघ। मागेच आपण पाहिलं की कोपरोली इथे जो आमदार चषक झाला तिथे देखील एक फायनलिस्ट ठरलेला संघ घोटगाव, एक दमदार खेळाडूंचा संच पूर्णपणे भरला आहे। कॅप्टनशिप करत असताना सुनील स्ट्राईक एंड वर आपण पाहतोय, नॉन स्ट्राईक एंड वर प्रसाद अर्थातच पप्पू। प्रभाकरजी पाटील यांना विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय, तोपर्यंत वळ्या सामन्याकडे। दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना पगड्याचा पाडा विरुद्ध राजन आणि गोट। पहिला चेंडू फेकेल, सामना करतील सुनील साळुंके, एकदा जोरदार टाळ्याहून जाऊन द्या। हा मात्र पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू, लॉफ करण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू जातो यशस्वीरित्या यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते। पहिला चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू होता, सागर फराड एक ओपनिंग गोलंदाज आपण पाहतोय पगड्याचा पाडा या संघाचा। नारायण पाटील यांना विनंती असेल की आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचंय। इथे मात्र आपण पाहतोय दुसरा चेंडू, चेंडू हवेत आहे क्षेत्रक्षा चेंडू खाली, इथे मात्र पहिला गडीगार होतोय, पहिला दणका बसतोय तो मात्र राजा राणी गोटला। ओ डू यू डीजे पवन कदम आपण स्टेजवर यायचं आहे। अतिशय सुंदर सामना होणार आहे, आपण पाहिलं दुसऱ्याच चेंडूवर बाद होतोय तो म्हणजे एक सलामीचा फलंदाज सुनील, याच्याकडनं खूप आशा होत्या परंतु त्या आशेवर पूर्णपणे पाणी फेरलंय। ते मात्र पगड्याचा पाडा या गोलंदाजानं सागर फराड, पहिला चेंडू निर्धाव पहिला, दुसऱ्या चेंडूवर चेंडू हवेत होता आणि एक सुंदर झेल आपण पाहिली मिडॉनला, अतिशय सुंदर। वळ्या सामन्याकडे दुसरा फलंदाज आपण इथे पाहतोय गोडगाव या संघाकडनं गेलाय, तो मात्र प्रदीप पाटील स्ट्राइक एंडला असेल। पप्पू प्रसाद तिसऱ्या चेंडूचा सामना करेल पप्पू। इथे मात्र चांगला चेंडू होता, चेंडू करून काढला, तेवढा टायमिंग नाही या शॉट मध्ये। इथे मात्र पुन्हा एकदा दुसरा झटका बसतोय प्रसाद अर्थातच पप्पू बाद होतोय। ओव्हर टू यू डीजे। नक्कीच तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, एक छान गीत आपण ऐकलं डीजेच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर। त्यानंतर दुसरा फलंदाज आपण इथे पाहतोय तो मात्र प्रशांत। इथे थोडस आपण पाहिलं की बॅटिंग मध्ये थोडासा बदलाव आपण पाहिला, प्रसाद येतोय तिसऱ्या विकेटसाठी। इथे मात्र चांगली गोलंदाजी, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, इथे मात्र बॅटीची गडा घेतोय, चेंडू जातोय क्षेत्रक्षक चेंडूवर असेल, पाहूया किती धावा भेटणार या चेंडूवर। चांगलं क्षेत्रक्षण होता परंतु इथे गफलस झाली आणि इथे मात्र या चेंडूवर आला चौकार, 4 रन। डॉन प्रमाणे जिथे आपण खेळताना पाहतोय तो म्हणजे अर्थातच प्रदीप, अतिशय सुंदर चौकार आपण पाहिला आणि त्या चौकारानं आपल्या टीमचं इथं खातं कुठेतरी ओपन होत आहे। त्याप्रमाणे बघायला गेलं सागर फराड एक चांगली गोलंदाजी आपण स्टार्टिंग पासून पाहिली, पहिला निर्धाव चेंडू, दुसऱ्या चेंडूवर सुनीलला बाद केला, नंतर पप्पूला बाद केला आणि आता एक चौकार येतोय। थोडासा दबाव कुठेतरी आपण रिलीज होताना पाहतोय तो म्हणजे अर्थातच राजन आणि गोट्या संघावर। पाहूया पाचवा चेंडू असेल या पहिल्या षटकातील सामना करतील प्रशांत। चांगला चेंडू होता, इथे अपील केलाय, इथे लेग अंपायर कडे अपील होता, कॉट बिहाइंड विकेटचं अपील होतं, इथे मात्र अपील पूर्णपणे फेटाळताना आपण पाहतोय काय डिसिजन येणार वाट पाहतोय आपण।
कृपया 85 वाद गोलवणे एवढा चांगला आपण टूर्नामेंट इथे भरवलेला आहे। इथे मात्र एक निर्धाव चेंडू जे सांगत आहोत शेवटचा चेंडू असेल दहा चार धावा आपण पाहतोय धाव फलकावर एक चांगला आपण चौकार आधीच्या चेंडूवर पाहिला इथे मात्र बीट केलं होतं बॅट्समनला कॉट बिहाइंडचा अपील देखील झालं होतं शेवटच्या चेंडूवर इथे कुठला फटका आपल्याला पाहायला मिळणार तीनच ओव्हरची मॅच असेल तीन षटकांचा सामना असेल हाय स्कोरिंग करायची गरज आहे शेवटचा चेंडू सामना करतील प्रशांत इथे मात्र चांगला चेंडू होता बीट केलाय चेंडू जातो हातामध्ये इथे मात्र निर्धाव चेंडू सांगता पहिला षटक संपताय पहिल्या षटकानंतर धाव फलकार धावा आपण पाहतोय चार दोन गडी बाद डीजे इथे बेडा पार तर नक्कीच राजाराणी घोट्या संघाचा झाला पाहिजे पहिला षटक सागरचा पहिला अतिशय सुंदर होता दुसरा षटक घेऊन येतोय पगडाचा पाडा या संघाकडनं दुसरा गोलंदाज पहिला चेंडू फेकेल दुसऱ्या षटकातील चांगला चेंडू होता थोडं स्लोवर डिलिव्हरी आपण इथे पाहिली नक्कीच चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये इथे मात्र निर्धाव चेंडू जे सांगत होते अमोल दुसरा षटक घेऊन आला पहिल्याच चेंडूवर पूर्णपणे दबाव बनवलाय तो अर्थातच प्रशांत पाटील यावर दुसरा चेंडू फेकेल प्रशांत याला इथे मात्र चेंडू थोडासा आपटला होता पण वाईटचा इशारा येतोय पंचांचा एक अतिरिक्त चेंडू एक अवांतर धाव या एका धावेनं धाव फलक कासवाच्या गतीने पुढे सरसावतोय पाच धाव आपण धाव फलकावर पाहतोय इथे काहीतरी वेगळं करण्याची गरज आहे इथे मारामारी इथे फटकेबाजी करण्याची गरज आहे ती मात्र राजाराणी घोट या संघाला इथे मात्र चांगला चेंडू होता मिस्ड टायमिंग झाला मिस्ड शॉट झालाय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर होता नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय एक धाव भेटलेल पूर्णपणे दुसरा धावेचा देखील प्रयत्न होता दुसरी धाव देखील यशस्वीरित्या पूर्ण इथे दोन धावा धाव फलकावर त्या दोन धावेने धाव फलक पुढे सरसावतोय सात धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय लॉस ऑफ टू विकेट्स चांगली एक सटीक गोलंदाजी आपण पाहतोय पगड्याचा पाडा या संघाकडनं सकाळपासून आपण पाहिलं तर एक चांगला खेळ पाहतोय आपण इथे मात्र चांगला चेंडू होता लॉंग लॉफच्या दिशेने खेचला फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असेल केवळ एका धावावर संतुष्ट व्हावं लागेल व्हॉट अ फिल्डिंग चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आपल्याला चांगली बॉलिंग देखील पाहायला मिळते इथे एक पॉवर पॅक गेम आपण पाहू शकतो तो अर्थातच पगड्याचा पाडा या संघाकडनं तीन दोन चेंडू झालेले आहेत इथे मात्र तीन चेंडू झालेले आहेत इथे तीन चेंडू धाव फलक आपण पाहतोय ते म्हणजेच आठ धावा केवळ धाव फलकावर आपण पाहतोय तीन चेंडू नंतर दुसऱ्या षटकातील इथे फटकेबाजी करायची आहे काय शॉट मारलाय चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर इथे मात्र येतील चार रन इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता आणि फुलटॉस चेंडू म्हणजे एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी सुवर्ण संधी चुकीला माफी नाही त्याचप्रमाणे उत्तर दिलं ते म्हणजेच प्रदीपने अतिशय सुंदर फटका या चार धावेने धाव संख्या जाऊन पोहोचलेलं आहे राजाराणी या गोटची ती म्हणजेच बारावर इथे अशीच फटकेबाजी करायची गरज आहे एक चांगला डिफेंडेबल स्कोर उभा करण्याची आपल्याला गरज आहे अजूनही दोन चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील बारा धावा धाव फलकावर पाहतोय आपण अमोल गोलंदाजी मार्कवर इथे पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता स्लो वर डिलिव्हरी होती कट केलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असेल किती धावा मिळतात त्या चेंडूवर आपण पाहूया इथे मात्र अंपायरचा इशारा येतोय चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर थर्ड मॅनच्या दिशेनं चार रन इथे मात्र प्रदीप ज्याप्रमाणे खेळतोय त्याच खेळाची गरज नक्कीच राजाराणी घोट या संघाला असणार आहे कारण की गोलंदाजी एक चांगली पाहत होतो आपण पगड्याचा पाडा या संघाची पण कुठेतरी दबाव थोडासा रिलीज करताना आपण पाहतोय तो म्हणजेच प्रदीप शेवटचा चेंडू होता अतिशय सुंदर चेंडू इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असणार आहे किती धावा मिळणार आपण केवळ एका धावेवर संतुष्ट व्हावं लागेल या एका धावेने धाव संख्या जाऊन पोहोचते राजाराणी या गोटची दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर ती म्हणजे 17 Max. Oh, man, cut up, sir. Hey! Hey! Hey!
वहाँ डीजे राजा रानी घोट क्लब आयोजित है, एक चांगला टूर्नामेंट अपन पाहतो आहे। जर मी माझ्या समालोचनाची सुरुवात देखील इथूनच केली होती, याच मंचावरून केली होती। पहिल्यांदाच समालोचन मी कुठे केलं असेल तर या मंचावर केलं होतं। खरंच इथे पुन्हा एकदा संधी मिळते, खरंच धन्यवाद मानतो मी आयोजकांचे। शेवटचा षटक असणार आहे पगड्याचा पाडा या संघाकडनं। दोन बॅट्समन आपण पाहतो इथे, मात्र प्रसाद प्रदीप आणि प्रशांत। शेवटचा षटक इथे, मात्र थोडीशी गती भटकतोय तो म्हणजेच एक गोलंदाज आपण पाहतोय तिसरा प्रतीक फराड पगड्याचा पाडा स्लॉग ओव्हर मध्ये बॉलिंग करतोय। थोडासा दबाव नक्कीच असणार आहे इथे, मात्र फटकेबाजी करायची गरज असेल ती अर्थातच राजा रानी घोट। इथून नक्कीच 15 ते 20 धावा या ओव्हर मध्ये या षटकामध्ये लागल्या पाहिजे, तेव्हा कुठे चांगला डिफेंडिंग टोटल आपण उभे करू शकतो। इथे मात्र चांगला चेंडू होता, उकरून काढला आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असणार आहे। एक धाव पूर्णपणे मिळते, एका धावेने काय होणार नाही। इथे मात्र फटकेबाजी करायची गरज असणार ती अर्थातच जर राजा रानी घोट या संघाला एक चांगला टोटल चांगल्या धावा धावफलकावर आपण जर लावल्या तर त्या डिफेंड करायला देखील तेवढं आपल्या बॉलरला इझी जाऊ शकतात, आपल्या गोलंदाजाला तेवढं सहजरित्या आपण हा सामना जिंकू शकतो किंवा आपल्या पारड्यामध्ये हा सामना फिरू शकतो। स्ट्राईक रोटेट होते आहे, प्रशांत जातोय स्ट्राईकवर। इथे मात्र मोठी चुकी झाली आणि इथे गडी गारत होतोय तो म्हणजे प्रशांत। व्हॉट अ बॉलिंग, माझी उरकून टाकली भाऊ मारुती पाटील यांच्याकडे 5,000 रुपयाची देणगी इथे आलेली आहे। तर धन्यवाद आयोजकांच्या वतीनं आपलं खूप खूप स्वागत व आभार मानतो। असंच आपण देणगी देऊन प्रवृत्त केलं पाहिजे, नक्कीच पुढच्या वर्षी देखील एक चांगले सामने आपण इथे पाहू शकतो। वळूया सामन्याकडे, धावफलक आपण पाहतोय ते 19 वर। इथे मात्र शेवटचं षटक चालू आहे, अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत। इथे फटकेबाजी करायची आहे, नवीन आपण फलंदाज पाहतोय क्रीडांगणावर तो मात्र रुपेश साळुंके आणि गोलंदाजी मार्गवर आपण पाहतो प्रतीक फराड। चांगला चेंडू होता, चेंडू हवेत आहे, मिस टायमिंग झालाय, क्षेत्ररक्षक असणार आहे चेंडूवर। इथे काय झालं, इथे पुन्हा एकदा दुसरा विकेटचं पतन, इथे मात्र दुसरा गडी पुन्हा एकदा गारवत होतोय ते रुपेश साळुंकेच्या रूपामध्ये। धन्यवाद डीजे। इथे मात्र एक स्ट्रगल करताना पाहतोय, थोडस कठिनाई मध्ये आपण पाहतोय तो म्हणजे राजा रानी घोटा संघ, कारण की गोलंदाजी आपण पाहिले एक सटीक गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय तो अर्थातच पकड्याचा पाडा संघ। स्ट्राईक रोटेट होते, प्रदीप असेल स्ट्राईक एंडवर। इथे फटका मारण्याची गरज, कार्पेटच्या साह्यानं चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर आहे, चांगली फिल्डिंग होती, थोडसं मिसफील्ड झालाय। तोपर्यंत 2 धावा इथे मिळतील, इथे चान्स होता। या 2 धावेने धाव फलक पुढे सरसावतोय, धाव संख्या आपण पाहतोय धाव फलकावर 21 धावा। अजून 2 चेंडू बाकी आहेत, प्रशांत प्रदीप अजूनही स्ट्राईक एंडवर आहे। 2 चेंडू, 2 चेंडूवर किती फटके आपण पाहणार, किती धावा आपण धाव फलकावर पाहणार आहोत। ते मात्र 21 धावा धाव फलकावर आहेत। पहिलं 17 आपण पाहतोय, पहिल्या 17 शेवटचा षटक, पहिल्या इनिंग मधला शेवटचा षटक। 2 चेंडू बाकी आहेत, प्रदीप आहे स्ट्राईकवर। इथे मात्र चांगला चेंडू होता, लॉंग लॉंगच्या दिशेने खेळलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर असेल, एक धाव यशस्वीरित्या पूर्ण झाले, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि इथे रनआउटच्या रूपामध्ये विकेटचं पतन होतं ते म्हणजे प्रदीप पाटील। धन्यवाद डीजे। ते मात्र पूर्णपणे स्ट्रगल करतोय तो राजा रानी घोट। आपण पाहिलं सकाळचा सामना काय सामना होता, वन साइडेड सामना आपण पाहिला, एकतर्फी सामना पाहिला, परंतु इथे मात्र कुठेतरी कडवी झुंज देतोय तो पगड्याचा पाडा हा संघ राजा रानी घोट एका मातब्बर संघाला। शेवटचा चेंडू असेल, धावा धाव फलकावर आहे 21, कुठला फटका आपण पाहणार इथे शेवटच्या चेंडूवर।
इधे मात्र स्लोवर डिलीवरी बीट के बैट्समैन चेंडू यष्टरक्षक मध्य निर्धाव चेंडू सांगता तीन षटक समाप्ति नर पहले सत्र इतना संपत है केवल केवल 21 धावा धावफलका 18 चेंडू 22 धावांची गरज इथे मात्र पगड्याच्या पाड्या संघाला तोपर्यंत आपण वळूया पुढच्या सत्रामध्ये आमचे परम मित्र प्रवीण टंबे यांच्याकडे धन्यवाद माफी असावी 22 धावा धावफलकावर आहेत 23 धावांची गरज इथे मात्र पगड्याचा पाड्या या संघाला धन्यवाद चला दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू आहेत आणि टार्गेट आहे 23 धावांचं 23 तो चलते मुकाबले की तरफ आयोजन करता हूँ कि टीम राजा रानी गोट खेल रहे राजा रानी ये नाम है सुपुत्र और सुकन्या बाला दादा धुमाल इनके सुपुत्र राजा और इनकी सुकन्या रानी का नाम है राजा रानी काफी लोगों को पता नहीं होगा लेकिन जरूर बताना चाहेंगे राजा रानी नाम इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक बाला दादा धुमाल इनके दो बच्चों का है तो चलिए मुकाबले में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में 10-11 नंबर की जर्सी पहनी है ये किसी गाड़ी का नंबर है पप्पू के गाड़ी का नंबर है 10-11 और पप्पू ने टी शर्ट स्पॉन्सर की है जबरदस्त टीम है वनडे में इंडिया टीम ने टी शर्ट पहने थी लेकिन ये टीम ना सुबह 10 बजे मुकाबला जीती थी और अभी बजे करीब 5 यानी कि अभी करीब बजे 4:15 अरे देखिए 10 से लेकर 4:15 करीब 6 घंटे 15 मिनट इस टीम ने आराम किया और दूसरा मुकाबला खेल रही है यही होता है जब 12 टीम का लॉट्स होता है 10 टीम का तभी पहली मैच जीतने वाली टीम बाय के रूप में 4-5 घंटे आराम करती है और फिर से एक बार खेलती है लेकिन फिर भी 23 रन बने ये अजीबो गरीब बात है तो इसका मतलब पता चलता है कि पगड़ा सपाड़ा टीम की गेंदबाजी बहुत तगड़ी थी मजा आएगा 23 रन 18 गेंदों में और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हमारे महागुरु जिनको देख कर हमने कॉमेंट्री सीखी है MD गडगे सर छिंद्रन से बिलोंग करते हैं एक बड़ा चेहरा बड़ी पहचान है रायगढ़ के हर मैदान पे कॉमेंट्री करते हैं MD गडगे सर उनका हम विशेष सम्मान और आभार व्यक्त करेंगे चलते मुकाबले तरफ ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर है और गेंदबाजी करेंगे मुन्ना योगेश पवार पाटिल योगेश पाटिल योगेश नाम का जादू टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत छाया जैसे कि योगेश पवार जो पेन में खेलते हैं योगेश पेनकर जो महाड से बिलोंग करते हैं और ये योगेश पाटिल 23 रनों की आवश्यकता अभी अभी पागड़सभा टीम ने वल्लभ टीम को हराया लगातार बैक टू बैक उसको मुकाबले खेलने पड़ रहे कितना स्टैमिना इनके गेंदबाजों के पास तारीफ करेंगे गेम ऑन 18 गेंदे 23 होम ग्राउंड पे राजा रानी घोट टीम क्या घरेलू मैदान पे रन बचाएगी या फिर ये मुकाबला अपने हाथ से गवाएगी पहली ओवर पहली गेंद योगेश पवार पाटिल मुन्ना पहली गेंद ब्लॉक यॉर्कर गेंद फेंकी इनकी बड़ी पहचान है पहले मुकाबले में बिल्कुल जब ये टीम गेंदबाजी कर रहे थे योगेश पाटिल इन्होंने एक ओवर में 2 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे क्या गेंदबाजी की थी इम्प्रेस किया था सबको लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेस सुनील सालुंके ने किया था जो विकेट कीपर है क्योंकि बल्लेबाजी से सुनील ने 34 रन और 5 विकेट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये कमाल की गेंदबाजी मलिंगा स्टाइल क्या मजा आ रहा है इस मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी 2 गेंद 1 रन स्कोर कार्ड पर कमाल की गेंदबाजी 23 रन बचाने के लिए इस ओवर में 6 से नीचे रन होने चाहिए योगेश पाटिल को पता है 3 गेंदबाज उन्हें इस्तेमाल करने अगर कम रन देंगे ना तो दबाव बल्लेबाजों पर आएगा लेकिन गेंदबाज जानते हैं 1 गेंद पे 6 बनते और कभी भी आ सकते हैं पहला विकेट आसान सा कैच थर्ड मैन में और लगता हुआ पहला झटका पगड़ा सपाड़ा टीम 11 को
क्या मुकाबला है। पिछले मैच में सागर परड मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन इस मैच में हीरो नहीं, ये तो जीरो पे आउट हुए। यही तो क्रिकेट है, कभी हीरो कभी जीरो। बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट में फॉर्म बरकरार रखना, क्लास बरकरार रखना। तीन गेंद टीम का टोटल एक एक विकेट। योगेश पाटिल को सफलता मिली, यह बड़ा कमबैक हो सकता है। ये 23 रन बहुत ज्यादा है, ये इनके गेंदबाजी दिखा रहे, कमाल की गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद, गैप में खेला, ऑफ साइड में फील्डर है। एक एक रन बहुत कीमती है, एक एक रन बचाना होगा। दो रन कंप्लीट। पहली ओवर की चार गेंदें समाप्त और पागल से बड़ा टीम की रन संख्या है एक विकेट के नुकसान पे, तीन रन। मजा आएगा मुकाबले में, अगर ऐसे डॉट गेंदे और फेंकेंगे तो ये मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। और ये दर्शक जो है ना, वो हमेशा फाइटिंग मुकाबला देखने आते हैं, उन्हें फाइटिंग मुकाबला पसंद है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जीता कौन हारा, उनको यही पता है कि मुकाबला गर्माहट भरा होना चाहिए। बल्ले के ऊपर लगी है और सीधा निकल गई बाहर, गेंद दिल्ली से गली गई, सीमा पार, चौका। तो ये बल्लेबाज है किरण कालो के, के बल्ले से लंबा चौका आया। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उस उसने इतिहास रचा है। और ये कैच हो सकती थी, बहुत बढ़िया ट्राई, कोशिश कमाल की थी। और गड़गे सर हमेशा कहते हैं, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहले ओवर के समाप्ति हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल 23 का पीछा करते करते 9 रन स्कोर कार्ड पर एक विकेट के नुकसान पे पागड़ा पाड़ा टीम। क्या बात है, 23 का टारगेट था, 9 रन बने स्कोर कार्ड पर, अभी 14 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों पर। मुकाबले में गेंद और रन आमने सामने है, यानी गेंदबाज के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि मैंने कहा था एक गेंद पे 6 बनते, एक गेंद पे 4 बनते और मुकाबला कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन अपने घरेलू मैदान पे एक हॉट टीम और घरेलू मैदान पर इस मैदान को, इस विकेट को करीब से जानती है और इस विकेट का फायदा उनको गेंदबाजों को मिल सकता है। बॉलिंग मार्क पर आए इस वक्त रुपेश सालुंके। इस टीम के पास 3 तगड़े गेंदबाज है, ऐसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। ओवर में कमतरता जरूर महसूस होगी, शुरुआती मुकाबले 4 ओवर के थे लेकिन अब मुकाबले 3 ओवर के है। 12 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। ये डिफेंसिव शॉट, मैंने कहा था रन और गेंद आमने सामने, एक दो रन से भी आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छी रणनीति है और अच्छी सोच है। एक रन के साथ टीम का टोटल है 10 रन स्कोर कार्ड पर। मुकाबले में वापसी करने के लिए डॉट गेंदे और विकेट बहुत जरूरी होंगे। और ये डॉट गेंदे कैसे फेंकेंगे, रन कैसे बचाएंगे, विकेट कैसे लेंगे, इन रणनीतियों पर ध्यान देना होगा गेंदबाज रुपेश सालुंके और घोट टीम को। हवा में गेंद, फील्डर कोई मौजूद नहीं ऑन साइड पर, एक एक रन बचाने के लिए संघर्ष करती हुई दोनों टीमें और ये 2 रन कंप्लीट। मुकाबला धीरे धीरे अंतिम छोर तक पहुंचता हुआ और इसी 2 के साथ टोटल जाके पहुंचा 12 रन। फॉर्चून इवेंट्स लाइव टूर्नामेंट को कवर कर रही है, जिनका बड़ा योगदान है राजारानी ट्रॉफी को। ये राजारानी ट्रॉफी कौन उठाएगा, इसके लिए आपको बड़ा संघर्ष करना होगा, जुनून मेहनत और लगन रखनी होगी। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पे खेला, ताकत का इस्तेमाल किया, फील्डर है, 2 रन लेने की कोशिश लेकिन 1 पे संतुष्ट। मजा आएगा मुकाबले में, कोई बड़े शॉट नहीं आ रहे, इक्का दुक्का से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, यानी इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेके जाना होगा और अंतिम ओवर में आपको धमाकेदार एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा। टीम का टोटल है 13, अब जरूरी है सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता। हवा में गेंद, कैच का मौका बन सकता है, विकेट लेने की जरूरत है, क्या छूटी है, 2 रन भी दिए किशोर ने, क्या छोड़ा, 2 रन भी दिए और इसी 2 के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ेगा इस वक्त स्कोर कार्ड पर
15 रन, 9 गेंद पे 10 की जरूरत थी, अब देखिए 8 गेंदे और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। गेंद और रन आमने सामने, बराबरी का मुकाबला, 50-50 मुकाबला, अभी तक हौसला बुलंद है। गेंदबाजों ने होप्स नहीं छोड़ा, गेंदबाजों ने अभी तक मुकाबला नहीं छोड़ा, कमाल का मुकाबला। और ये कप्तान सुनील सालुंके, ये रन भी गवाया, ऐसा लगा कि बल्ले को गेंद लगी थी, कैच का मौका था, लेकिन ये कैच छोड़ी है कप्तान ने। अब बचिए 7 गेंदे, 7 रनों की आवश्यकता। यह मुकाबला जबरदस्त है, यह मुकाबला रफ एंड टफ है, मजा आएगा मुकाबले में। गेंदबाज मेहनत कर रहे हैं, फील्डर को भी मेहनत पे ध्यान देना होगा। एक और कैच छूटी है और गेंद फाइन लेग से तेजी से निकली है, सीमा रेखा लगत, सीमा पार, ब्रांडेड चौका। तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल दे चाहे तू माने। चलिए अगला शो मैच होगा 40 प्लस का, जितने भी खिलाड़ी शो मैच में खेलेंगे, जितने भी 22 खिलाड़ी है स्टेज पर आइए, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं आएंगे तो मुकाबला इसके बाद शुरू नहीं होगा। 3 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों पर, स्क्वेयर लेग अंपायर कहां पर है? चलिए इमरजेंसी, छह गेंद 3 रन की आवश्यकता, नेचुरल कॉल, इमरजेंसी। तो चलिए मुकाबले की बात करेंगे, 6 गेंद 3 की आवश्यकता है, कोई बात नहीं, सुनील सालुंके अपनी गलती को सुधारेंगे। चलिए मजा आएगा, इनके अंदर क्षमता है, सुनील का आज दिन अच्छा है। पहले मुकाबले में 34 रन बनाए, 5 विकेट लिए, 3 कैच पकड़े विकेट कीपर से, आज इनका दिन है, शायद मुकाबला बना सकते हैं इस मैदान पर। 5 गेंद 3 रनों की आवश्यकता, ऑफ कटर गेंदे फेंके जा रही है, अच्छा वेरिएशन, ये क्लीन बोल्ड, आएगा मजा, ये मुकाबले में वापसी। रोशन देखिए क्या मुकाबला बना है, घोट के दर्शक खामोश थे, ऐसा लगा मुकाबला छूट गया, लेकिन 2 गेंदों के बाद तालियों की आवाज सुनाई दी और मुकाबले में वापसी की घोट टीम ने। 4 गेंद 3 की आवश्यकता, डीजे या डेंजर बॉलर नी, या डेंजर बॉलर नी, अशी बुद्धी लढवली, या फेमस बॅटमनची कशी दांडी तुडवली, या फेमस बॅटमनची बघा दांडी तुडवली, या फेमस बॅटमनची कशी दांडी तुडवली। क्या जबरदस्त गाना डेडिकेट किया डीजे मास्टर ने सुनील सालुंके को, फेमस बैट्समैन की डंडी उड़ा दी, जबरदस्त मुकाबला, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंचों के पास का होते नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते रास्ते, अपने जीत का रास्ता खुद बनाओ, अपने जीत के रास्ते को खुद चलो, अब वो जीत के रास्ते पर चलेंगे सुनील सालुंके। 4 गेंद 3 की आवश्यकता है और बल्लेबाजी के लिए आ चुके बल्लेबाज प्रतीक फराट, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, क्या रोक पाएंगे सुनील प्रतीक को? ऑफ साइड में गेंदों खेला, कवर पॉइंट पे 1 रन कंप्लीट, 3 की आवश्यकता है 4 गेंदों में, वेरी क्लोज, रन आउट, जबरदस्त मैच, एक एक रनों की कीमत दोनों को पता है, यह विकेट मिला प्रतीक का, अब 3 गेंद 2 रनों की जरूरत। पाहिजेले तेवढ्या मी देईन तिरक्या तुलार, पाहिजेले तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, अरे पाहिजेले तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, चुनौती होगी सुनील सालुंके की, 3 गेंद 2 की जरूरत है, कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, बल्लेबाजों को पसीने छूट चुके हैं 3 रन बनाने में, यह होता है क्रिकेट, यह होती है ताकतवर गेंदबाजी, मजा आएगा 3 गेंद 2। और ये देखिए यह मुकाबला फिनिश कर दिया, ये विनिंग चौका, कमाल का ड्राइव किया शॉट को कवर पॉइंट में और चौका लगा और इसी के साथ मुकाबला जीता पाकड़ सपाटा टीम ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
and all the best, Raja Rani Goat DJ. SP. तो इस मैच के हीरो होंगे जिसने इस 23 में से 15 रन बनाए, यानी आधा स्कोर जिसके नाम पर था, रनों की जरूरत थी, तो वो बल्लेबाज है के किरण कालो के मैन ऑफ द मैच। आइए किरण, आपका स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, आपको ये ट्रॉफी देके नवाजा जाएगा। चलिए शो मैच 40 प्लस के जितने भी खिलाड़ी है, 22 खिलाड़ी आइए मंच पर। सन्मान्य गणेश पाटिल, इनके शुभास्ते ट्रॉफी दी जा रही है के किरण कालोके को। 15 रनों की पारी खेली, मुकाबला जीता है पाकड़सभा टीम ने। रुकना होगा क्योंकि इसके बाद भी आपका एक और मुकाबला खेला जाएगा। चलिए शो मैच की शुरुआत करेंगे और हमारे बेहतरीन कमेंटेटर्स घोट कैम के, जिनकी आवाज हमेशा सुनाई देती माइक्रोफोन पर, रवि उनकी आवाज सुनाई देगी। रमेश पाटिल घोट, रमेश पाटिल आपकी हेयर स्टाइल आनंद शिंदे की याद दिला रहे हैं। ये कमाल की हेयर स्टाइल है आपकी। निनाद कदम हमारे साथ जुड़े हैं, महागुरु एमडी गडकर से रोशन पाटिल है, 5 कमेंटेटर है हमारे कमेंट्री बॉक्स में।